Good morning, children. Take out your EVS book. Okay. Today we are going to do lesson number 13, which is plants, and lesson 14, which is animals. This is your unit 4, plants and animals. Okay. So lesson 13 is plants. We can see plants all around us in parks, garden, and in our homes. Okay? बेटा plants and trees हम लोग अपने चारों तरफ हम लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे वो garden हो, कोई park हो, या हमारे घर में भी हम लोग गमलों में plants लगाते हैं ना, तो चारों तरफ ही हम लोगों को plants देखने को मिलते हैं. Some plants live for many years, others have a short life. कुछ जो plants होते हैं उनकी बहुत लंबी लाइफ होती है, बहुत सालों तक वो रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की लाइफ जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, वो साल दो साल में गड़बड़ हो जाते हैं. ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स. जो ये ट्रीज, जो बड़े प्लांट होते हैं उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं, ठीक है. श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है. सम प्लांट्स आर बिग, सम आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है, और कुछ जो जिसको आप लोग ट्री बोलते हो ना, और कुछ प्लांट्स बहुत ही स्मॉल होते हैं. तो इसमें देखिए ये डेजी का प्लांट है, ठीक है, जिसमें डेजी फ्लावर होता है. फिर ये कैक्टस है आपका, ओके. फिर ये क्या है, ये आपका बैम्बू प्लांट है. देन ये आपका बैनियन ट्री है, जो हमारा नेशनल ट्री भी है, ये बैनियन ट्री, बरगद का पेड़. फिर ये मशरूम है, ये सनफ्लावर है, ओके. कलर द बिगेस्ट प्लांट ऑन दिस पेज. अब आपको इस पेज पे जो सबसे बिगेस्ट प्लांट है, तो बिगेस्ट प्लांट कौन सा है, ये बैनियन ट्री, ये सबसे बिगेस्ट होता है, ठीक है. तो जो सबसे बिगेस्ट है उसको आपको कलर करना, तो आप इस पेज पे ये बैनियन ट्री को कलर कर दीजिएगा, ठीक है. कि ट्रंक ब्राउन कलर की हो जाएगी, इसके लीव्स वगैरह आप ग्रीन कलर से कर दीजिएगा. नेम द स्मॉलेस्ट प्लांट एंड सर्किल इट. इस पेज पे जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा होता है, उस स्मॉलेस्ट प्लांट आपका ये मशरूम का होता है, ठीक है. तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सर्किल कर देना है, ओके बेटा. प्लांट केयर. प्लांट्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, वी शुड टेक केयर ऑफ देम. जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं और हमको उनकी केयर करनी चाहिए. वी शुड वाटर आवर प्लांट्स रेगुलरली. जैसे अगर हमने अपने घर में गमलों में या कहीं क्यारी में प्लांट लगा रखा है, तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको टाइम टाइम पे पानी देना चाहिए. अ लिटिल प्लांट ग्रोज इन टू अ बिग प्लांट. जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं. देन इट गिव्स अस फ्लावर्स, ओके, और उसके बाद वो हम लोगों को फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फल और फ्रूट, ये फूल और फ्रूट्स हमको देने लगते हैं, फल और फूल हमको देने लगते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं. सम सीजनल प्लांट्स डाई आफ्टर सम टाइम. जो सीजनल प्लांट होते हैं वो कुछ समय के बाद डाई कर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, जो सीजनल प्लांट होते हैं. अब यहाँ पे आपकी फोर पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, विच पिक्चर कम फर्स्ट एंड नेक्स्ट. राइट द नंबर 1, 2, 3, 4 इन द बॉक्सेस. तो यहाँ पे आपको चार पिक्चर बनी है, इनको आपको ठीक उसमें क्रम में अरेंज करना है कि कौन सी पिक्चर नंबर 1 पे होगी, फिर कौन सी 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे. तो जैसे एक छोटा सा प्लांट है, तो उसको ये पानी दे रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि ये जो होगा ये आपका नंबर 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे आप नंबर 1 डाल दीजिएगा. उसके बाद फिर प्लांट्स धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो ये आपका नंबर 2 हो जाएगा. सनलाइट मिल रही है, रोशनी मिल रही है, इससे क्या हो रहा है, प्लांट आपका धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ओके, तो ये आपका नंबर 2 हो जाएगा. फिर प्लांट और बड़ा हो गया, ये आपका नंबर 3 हो जाएगा. फिर प्लांट में फ्लावर्स निकल आए, तो ये आपका नंबर 4 हो जाएगा. तो इस तरीके से आप इनकी नंबरिंग कर दीजिएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा.
सर्किल द राइट वर्ल्ड। अब ये हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इसमें आपकी एक्सरसाइज ए है, तो इसमें आपको बताना है मैंगो इज अ फ्रूट वेजिटेबल मैन। तो मैंगो क्या है, फ्रूट है कि वेजिटेबल है कि मैन है, आदमी है मैंगो। तो मैंगो इज अ, आप फर्स्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पे, फ्रूट। ओके तो यहाँ यहाँ पे आप फ्रूट को आप सर्किल कर दीजिएगा, मैंगो इज अ फ्रूट। देन सेकेंड क्या है, कॉलीफ्लावर इज अ फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल। कॉलीफ्लावर क्या है, कॉलीफ्लावर मतलब आपकी फूल गोभी, वो क्या होती है, वो आपकी एक सब्जी होती है। तो आप यहाँ पे वेजिटेबल पे सर्किल कर दीजिएगा। फिर थर्ड क्या है, स्पाइनच इज अ डैश ऑयल फ्रूट लीफ। स्पाइनच, स्पाइनच मतलब पालक। तो पालक क्या है आपका, वो ऑयल तेल होता है कि फल होता है कि लीफ होता है, पत्तियां होती हैं। तो स्पाइनच की आपकी, पालक की क्या होती है, पत्तियां होती हैं। तो आप यहाँ लीफ पे सर्किल कर देंगे। फिर फोर्थ क्या है, सुगर केन इज अ सुगर स्टेम स्वीट। अब सुगर केन जो होता है गन्ना, वो क्या होता है, वो गन्ना, वो क्या होती है, वो स्टेम होती है, डंडी होती है ना गन्ने की। तो सुगर केन इज अ, यहाँ आप स्टेम पे सर्किल कर दीजिएगा। ओके फिर फिफ्थ है, सनफ्लावर इज अ फ्लावर वेजिटेबल या प्लैनेट। तो सनफ्लावर आपका क्या है, सनफ्लावर आपका फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ आप फ्लावर पे सर्किल कर देंगे। अब हम बी एक्सरसाइज पे आते हैं। बी एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ टू ऑप्शंस गिवन अलोंग साइड। तो यहाँ पे आपको फिर से इनको ब्लैंक को फिल करना है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट है, ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द नॉइज या स्मेल लेवल। तो इसमें बी में फर्स्ट क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट क्या हो जाएगा, नॉइज, ठीक है। जो ट्रीज हैं वो जो हमारी जो साउंड होती है उसको, नॉइज को, उनके ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो नॉइज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा शोर शराबा जो होता है उसको अब्जॉर्ब करने की उनमें कैपेसिटी होती है। तो ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द नॉइज लेवल, तो वो आवाज को कम कर देते हैं, जो नॉइज लेवल है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। फिर ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या कम करने में मदद करते हैं, डस्ट, जो डस्ट है उसको भी वो लोग पकड़ लेते हैं, उनमें डस्ट जो है उन्हीं में समा जाती है ना, तो वो डस्ट को भी रिड्यूस करते हैं जो ट्रीज होते हैं। फिर थर्ड है, ट्रीज गिव्स अस फ्रेश या डर्टी एयर। ट्रीज हमको क्या देते हैं, अच्छी हवा देते हैं कि बेकार सी हवा, गंदी सी हवा देते हैं, तो वो हमें फ्रेश एयर देते हैं। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर। देन फोर्थ वन आपका क्या है, ट्रीज प्रोवाइड्स अस शेड या सनशाइन। ट्रीज हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें छाया प्रोवाइड करते हैं गर्मियों में, या फिर हमें धूप देते हैं। तो ट्रीज हमको क्या देते हैं, दे प्रोवाइड अस शेड। जब मैं बहुत धूप में हूँ तो हम लोग ट्री की शेड में बैठ जाते हैं ना, दे प्रोवाइड अस शेड। देन फिफ्थ वन इज, ट्रीज कीप अवर सराउंडिंग स्मोकी या हेल्दी। वो हमारे सराउंडिंग को एकदम धुआं जैसा कर देते हैं या फिर हेल्दी बनाते हैं। तो वो हमारे सराउंडिंग को हेल्दी बनाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं। ओके तो ट्रीज मेक अवर सराउंडिंग हेल्दी। ओके अब हम आते हैं सी एक्सरसाइज पे। मैनी थिंग्स गिवन बाय द प्लांट्स एंड ट्रीज आर हिडन इन द क्रॉसवर्ड, फाइंड देम बाय कंप्लीटिंग द क्रॉसवर्ड। अच्छा तो यहाँ पे आपका क्रॉसवर्ड है, इसमें जो हमें प्लांट्स या ट्री से जो हमें चीजें मिलती हैं वो इन्हीं क्रॉसवर्ड में छुपे हुए हैं और उनकी पिक्चर भी बनी हुई है, तो उनको आपको इसमें लिख के फिल कर देना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से अप से डाउन क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आपका क्या है, सी दिया हुआ है, फिर एफ आ रहा है, ठीक है, फिर लास्ट में ई आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आपका हो जाएगा कॉफी, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी सी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका, सी ओ एफ एफ डबल ई,
ठीक है, कॉफी हो जाएगा ये वाला बेटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा COFFEE कॉफी। फिर यहाँ ये लेफ्ट टू राइट ये क्या आ रहा है, ये आपका लकड़ी रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा WOOD, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका, हाँ ये आपका ऐसे है W फिर OD, ये आपका क्या हो गया वुड, ठीक है, लकड़ी भी हमको मिलती है, कॉफी हमको मिलता है, लकड़ी मिलती है। फिर अब ये वाला हो गया, अब ये वाला देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा TE, ये T हो जाएगा आपका, ठीक है, TEAT, ओके, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो कैसे कर रहे हैं TEAT, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा TEAT। अब ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ देखिए बुक बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पेपर, पेपर भी हमको प्लांट से ही मिलता है, चाय भी हमको, चाय की पत्ती जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो भी टी प्लांट से मिलती है, ये और ये पेपर भी हमको प्लांट से मिलता है, तो ये आप क्या कर देंगे पेपर, ओके, तो ये आपका हो जाएगा PAPER पेपर, इस तरीके से ये पेपर आपका हो जाएगा PAPER पेपर। अब फिर ये वाला क्या हो जाएगा आपका, फिर यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे ये आपका हो जाएगा रबर, रबर भी हमको प्लांट से ही मिलती है, ठीक है, RUBBER, ये आपका क्या हो गया बेटा रबर, ठीक है, यहाँ पे RUBBER पेपर का देखिए R यहाँ पे आया, फिर उसके बाद RUBBER रबर। अब ये जहाँ पे रबर खत्म हो रहा है यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे हमको देखिए फ्रूट्स बने हुए हैं, तो हमको फ्रूट्स भी प्लांट से ही मिलते, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे फ्रूट्स, तो F RUITS, ये हो गया आपका फ्रूट्स, फ्रूट्स भी हमको प्लांट से ही ट्री से मिलते हैं। अब ये लास्ट में ये क्या हो गया बेटा, ये आपका ये आपका हो जाएगा ऑयल्स है, तेल भी हमको प्लांट से ही मिलता है, OILS ऑयल्स, तो OIL S ऑयल्स, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वाला अपना क्रॉसवर्ड आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये बेटा आपका छोटा सा चैप्टर था प्लांट्स का, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे विच इज एनिमल्स, एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स, जैसे प्लांट्स हमारे फ्रेंड थे वैसे ही एनिमल्स भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ अवर वर्ल्ड, वी शुड ऑलवेज ट्रीट देम वेल, ओके, वो भी हमारे वर्ल्ड का, हमारी दुनिया जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो प्लेनेट है उसी का वो भी पार्ट है, ओके, और हर सारे सभी जितने भी जीव जंतु चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, सबकी ही उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी हमारी है, ठीक है, तो हमारे इकोसिस्टम के लिए सभी जरूरी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे कोई भी एनिमल हो चाहे कोई भी प्लांट हो, सबकी अपनी अपनी जरूरतें आवश्यकताएं होती है, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम को, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए, हमारा जो धरती है, हमारा जो प्लेनेट है वो आराम से जो लाइफ को सपोर्ट करे, इसके लिए सबकी ज़रूरत होती है, प्लांट्स की भी ज़रूरत होती है और एनिमल्स की भी ज़रूरत होती है, सारे फॉर्म ऑफ एनिमल्स की ज़रूरत होती है। एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज, और एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए भी बहुत वेज में यूजफुल होते हैं, लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, लेट अस ऑल्सो फाइंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस, तो अब हम लोग वही एनिमल्स के बारे में कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि वो एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, ये फ्रॉग हो गया, ठीक है, ये स्नेक हो गया, फिर ये देखिए एक डॉग है, वो क्या कह रहा है, मैन इज माई बेस्ट फ्रेंड, आप जानते हैं डॉग जो है वो काफी
काफी बहुत ही आदमी क्या बहुत ही वफादार होता है ना, तो डॉग यहाँ पे बोल रहा है मैन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैन जो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता है। फिर ये काऊ है, यहाँ पे एलिफेंट है, ठीक है, देन यहाँ पे आपकी स्पैरो है चिड़िया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, नेम द बिगेस्ट एनिमल ऑन दिस पेज, इस पेज पे जो सबसे बिगेस्ट एनिमल हो, जो सबसे बड़ा एनिमल हो उसको आपका नाम लिख देना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एलिफेंट। तो यहाँ पे आप एलिफेंट लिख दीजिएगा। एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ELEPHANT, एलिफेंट। तो यहाँ पे आप एलिफेंट लिख दीजिएगा। जो एलिफेंट होता है बेटा वो सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, जमीन पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनिमल। और लेकिन जो हमारे समुद्र में एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा एनिमल है, जो है वाटर और लैंड में मिला करके, तो वो हमारी कौन सी सबसे बड़ी एनिमल होती है, ब्लू व्हेल, ठीक है। लेकिन लैंड में जमीन पे सबसे बड़ा एनिमल आपका एलिफेंट होता है। फिर सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं ये सब जिनकी पिक्चर बनी है वो कहाँ पर रहते हैं, वो जमीन पर रहते हैं। कौन कौन से हो गए, हैन, लॉयन, टाइगर, फिर जिराफ, देन एलिफेंट, देन काउ, ये सब कहाँ रहते हैं, और यहाँ पे क्या है, हॉर्स, ये सब एनिमल कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं यानी कि जमीन में रहते हैं। सम एनिमल लिव्स इन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड द सी। कुछ जो जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रिवर्स में, पॉन्ड्स में या फिर समुद्र में रहते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वाटर या फिर वाटर एनिमल्स। तो वो कौन कौन से हो गए, देखिए शार्क हो गई, फिर ये वेल हो गई, तो ये जो ब्लू वेल होती है ये सबसे लार्जेस्ट एनिमल होती है, ओके। फिर ये आपकी फिश हो गई, क्रैब हो गई, गोल्ड फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, ये आपकी जेली फिश हो गई। ये सब एनिमल्स आपके कहाँ रहते हैं, ये सब आपके एनिमल वाटर में रहते हैं, ठीक है। एन ऑक्टोपस हैज 3 हर्ट्स। अब आपको मालूम है जो ऑक्टोपस होता है जो पानी में रहता है उसके जो हर्ट हैं वो 3 होते हैं, 3 हर्ट्स होते हैं उसके, 3। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी रह सकते हैं। वो कौन कौन से एनिमल होते हैं, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जो होता है वो जमीन में भी रह सकता है, और जिसे हम कहते हैं घड़ियाल है, और वो पान सॉरी मगरमच्छ, मगरमच्छ कहते हैं ना इसे। तो क्रोकोडाइल जो होता है आपका वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। फ्रॉग, फ्रॉग भी जमीन पे भी रह सकता है, पानी में रह सकता है, यही टर्टल भी आपका ऐसे ही होता है, और ये आपकी डक, डक भी पानी में रह सकती है और जमीन पे भी रह सकती है। सम ऑफ अस कीप एनिमल्स एट होम, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पेट्स। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स को पालते हैं अपने घर में, तो वो एनिमल क्या कहलाते हैं, उनको हम लोग पेट्स बोलते हैं, ओके। वी कैन गिव देम नेम, और हम उनका क्या करते हैं, जैसे हमने किसी ने डॉग पाला या कैट पाला तो हम लोग उसका कोई नाम भी रख देते हैं अलग से। वी प्ले विथ अवर पेट्स, वी कीप देम नीट एंड क्लीन। हम अपने पेट्स के साथ खेलते हैं और हम उनको एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं, साफ सुथरा उनको रखते हैं। एनिमल्स शोन बिलो कैन बी केप्ट एज पेट्स एट अवर होम्स। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है, ये हम लोग अपने घर में पेट्स की तरह रख सकते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए डॉग है, फिर ये कैट है, ओके, फिर यहाँ पे बर्ड है, ठीक है, फिर ये गोल्ड फिश है, फिर ये रैबिट है। तो इनमें से ये सब एनिमल्स हम लोग अपने पेट की तरह अपने घर में रख सकते हैं। फिश को हम लोग एक्वेरियम में रखते हैं, है ना। कलर द एनिमल्स डेट यू वुड लाइक टू कीप एज पेट्स। अब इनमें से जो भी एनिमल्स आप अपने घर में रखना चाहेंगे एज अ पेट, उनको आपको कलर कर देना करना है। अगर आप सारे एनिमल रखना चाहेंगे तो सबको कलर कर दीजिएगा, केवल डॉग रखना चाहेंगे तो केवल डॉग को कलर कीजिएगा, ठीक है। तो जिसको भी आप कलर करेंगे, मतलब जिसको भी आप घर में रखना चाहते हो उनको उनको कलर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स पे। एनिमल्स डेट कैन लिव विथ अस इन अवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं, जो हमारे साथ हमारे घर पे
ही रह सकते हैं, उनको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, जिनको हम लोग पालते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं डिफरेंट वेज में। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर सोन बिलो। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं कई तरीके से, ठीक है। और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स की यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, कौन कौन से हैं देखिए, एक डक, ठीक, हैन, गोट, सीप, हॉर्स, काउ, बफेलो, डंकी, ये सब क्या हैं, ये सब आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ये सब हमारे हमारे काम काज में भी हमारी हेल्प करते हैं, और इनसे किसी से हमको वूल मिलता है, किसी से एग मिलता है, तो ये इस तरीके से भी मिल्क कहीं किसी से हम लेते हैं, बफेलो या काऊ से, गोट से, तो इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। काऊ, गोट एंड बफेलो गिव अस मिल्क, तो इसमें से काऊ, गोट, बफेलो ये क्या देती है, मिल्क देती है, हम लोग पीते हैं मिल्क, ओके। फिर हैन गिव्स अस एग्स, जो हैन क्या करता है, वो हमको एग देता है, अंडे देता है। फिर सीप गिव्स अस वूल, जो सीप क्या करती है, उसके हम लोग बालों से ऊन बनाते हैं, और उसी से स्वेटर, जो हम सर्दियों में उसी से स्वेटर हम पहनते हैं, उसी के वूल से ही। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स इज यूज्ड टू मेक लेदर गुड्स सच एज शूज, बेल्ट एंड बैग्स। जो एनिमल मर जाते हैं तो उनकी स्किन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, बेल्ट बनाते हैं, लेदर के सामान, जैकेट हो गया, ठीक है, शूज हो गया, बेल्ट हो गया, बैग हो गया, ये सब हम लोग उससे बनाते हैं। कैमल एंड हॉर्सेज आर यूज फॉर राइडिंग, और जो हॉर्स और कैमल है ये हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उनका हम लोग यूज करते हैं। एनिमल डंक इज यूज एज मैन्योर एंड फ्यूल, जो जो एनिमल का डंक होता है, जो एनिमल का जो वेस्ट होता है, वो हम लोग जो गोबर वगैरह जो वो लोग देते हैं, वो हम लोग एज ए मैन्योर, वो हम लोग अपने खेतों में खाद की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ ग्रो करते हैं, ओके। और उसे फ्यूल की तरह, उसको सुखा करके एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, गाँव वाँव में जाओ तो चूल्हा लोग जलाते हैं, तो वही गाय का गोबर होगा या भैंस का, तो उसी से वो लोग एज ए फ्यूल उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स आपने देखा कि कितने हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो जो एनिमल जो जिन जो डेड एनिमल हो जाते हैं, तो उनके स्किन से हम लोग क्या क्या बन सकता है, शूज बनता है, बेल्ट बनता है, बैग बनता है, जैकेट बनता है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स डेट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स फॉरेस्ट में जंगल में रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। सम वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन सोन बिलो, तो उनमें से कुछ की यहाँ पे पिक्चर बनी हुई, कौन कौन से होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, लॉयन, डियर, बियर, ठीक है, भालू, और कौन सा, जिराफ, देन टाइगर, देन एलिफेंट, ये सब क्या है, ये सब हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो दोज एनिमल्स विच लिव्स इन जंगल। फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। अब जैसे हम लोगों को खाने की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से जानवरों को भी, एनिमल्स को भी, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को अलाइव रखने के लिए उनको भी खाने की जरूरत पड़ती है। सब एनिमल्स ईट प्लांट्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, जैसे घास फूस खा लिए, छोटे छोटे प्लांट्स खा लिए, ओके, या फल वगैरह खा लिए, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब खा लेते हैं कुछ प्लांट, कुछ एनिमल्स, तो उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। जो जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, ओके। रैबिट, पांडा, जिराफ एंड कैटरपिलर आर हर्बीवोर। तो ये सब जो एनिमल्स होते हैं कौन कौन से, रैबिट हो गया, पांडा, जिराफ, कैटरपिलर, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स हैं, ये प्लांट्स या प्लांट से जो सामान हमको मिलता है ये वही सब खाते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। फिर सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार के उनको खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। उसके क्या एग्जाम्पल होगा, लियोपार्ड, ईगल, आउल, स्नेक,
एंड फ्रॉग आर कार्निवोर्स। ये सब एनिमल्स क्या होते हैं, ये सब एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स, और जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। सम एनिमल्स लाइक द बियर, हैन, क्रो एंड माउस ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, तो दोनों ही चीज़ खाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ठीक है, उसके कौन से एग्जाम्पल हो गए, उसके एग्जाम्पल हैं आपके बियर, हैन, क्रो, माउस। तो ये एनिमल्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज बताया गया है, डिड यू नो, क्या आपको मालूम है, स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 ईयर्स विदाउट ईटिंग। जो स्नेल होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घोगा, वो 3 ईयर्स तक सो सकता है बिना खाना खाए। ठीक है, बहुत ही आलसी एनिमल होता है ये। ठीक है, बहुत धीरे स्लोली स्लोली चलता है, तो 3 ईयर्स तक ये सोता है बिना कोई खाना खाए। मैनी एनिमल्स ईट प्लांट्स ओनली, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर। तो तमाम एनिमल्स जो होते हैं वो केवल प्लांट्स खाते हैं, उनको हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। ये आपने देखा ही अभी, ट्रेस द डॉटेड लाइन टू हेल्प दीज एनिमल्स फाइंड देयर फूड। तो इसमें आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन को ट्रेस करके हर एनिमल्स को जो फूड वो खाते होंगे उनके फूड आइटम तक ये पहुंचा देना है। ठीक है, लाइन को ट्रेस करते हुए तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन ये वाले एनिमल कौन सा फ्रूट खाते हैं, कौन सा प्लांट खाते हैं। ओके, क्योंकि ये सब क्या है आपके, ये आपके हर्बीवोर्स हैं, तो उसको आप बेटा ट्रेस कर लेके देखिएगा कौन सा एनिमल कौन सा फूड आइटम खा रहा है। दीज एनिमल्स दोज एनिमल्स हाँ सॉरी हाँ दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल, दे आर कॉल्ड कार्निवोर। जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। तो इसमें जैसे ये आपका लियोपॉर्ड है, तो लियोपॉर्ड क्या खा रहा है, ये आपका डियर को खाता है, हिरन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप डियर लिख दीजिएगा। ठीक है, DEER डियर। फिर ये आपका क्या है, आउल, ये क्या खाता है, ये आपका रैट खा लेता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा RAT रैट। ठीक है, फिर ये आपका कौन सा एनिमल है, आंट ईटर, तो ये आंट ईटर जो होता है ये क्या खाता है, ये चींटियों को खाता है, उनके चींटियों को जो उनकी हाई घर बना होता है उसको तोड़ करके इसका इस तरीके का माउथ का शेप होता है कि वो आराम से चींटियों को खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे आंट, आंट ईटर क्या खाता है, आंट, ANT यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, देन स्नेक, अब स्नेक क्या खाता है, स्नेक आपका चिकन खा लेता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा चिकन। ओके, इनका नेम लिख दे रहे हैं तो आपको इजी पड़ेगा। Lesson 14 है, ठीक है, पेज है आपका 73। तो इसमें फर्स्ट पिक्चर में क्या है, जो आपका लियोपॉर्ड है तेंदुआ, वो क्या खाता है, डियर। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा डियर। देन सेकंड पिक्चर क्या है आपके, ये आपका आउल है, तो आउल क्या खाता है, आपका रैट। ठीक है, ये एनिमल्स क्या खाते हैं बेटा, दीज एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ओके, देन थर्ड ये आपका आंट ईटर क्या खाता है, आंट, चींटियां खाता है ये। ओके, देन फोर्थ एनिमल आपका क्या है, फोर्थ एनिमल आपका स्नेक है, ये क्या खाता है, ये आपका चिकन खा लेता है। ओके,
अच्छा, जो ये जो एनिमल्स को हंट करके खाते हैं, उन जैसे सपोज कीजिए लियोपॉड हिरन को खाता है हंट करके, उसका शिकार करके, तो जो ये जो एनिमल्स जो हंटेड होते हैं, मतलब जो शिकार बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रे। ठीक है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्रे। जैसे यहाँ पे डियर प्रे है लियोपॉड का, यहाँ पे रैट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके फ्रॉग के क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए, सॉरी एक पिक्चर हम मिस कर दिए हैं। तो आपकी फर्स्ट सेकंड पिक्चर आपकी आउल की हो गई, देन थर्ड पिक्चर आपकी आंट की हो गई, देन फोर्थ पिक्चर ये फ्रॉग वाली कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ पिक्चर फ्रॉग क्या खाता है, ये आपका इंसेक्ट्स खाता है। ठीक है, फोर्थ फ्रॉग क्या खाता है आपका, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, देन फिफ्थ स्नेक क्या खाता है आपका, चिकन। ओके, तो जो जो एनिमल जो शिकार बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दोज एनिमल्स आर कॉल्ड प्रे। दीज एनिमल्स एंड ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बेटा दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, दूसरे एनिमल का फ्लैश भी और प्लांट्स भी खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे ओमनीवोर्स। आप हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स तीनों के कौन से एनिमल्स होते हैं वो उनकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा और साथ में उनकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। तो बेटा इसमें देखिए डॉग बना है, तो डॉग आपका क्या खाता है? डॉग आपका यहाँ पे देखिए मटन है, तो मटन खाता है। ठीक है, तो आप डॉग को इस पिक्चर से मैच कर दीजिएगा। ओके, ये आपका पेज नंबर है आपका 75। ओके, पेज 74 है बेटा नेक्स्ट वाला। तो इसमें आप डॉग को इस वाली पिक्चर से मैच कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका मटन हो जाएगा या मीट लिख दीजिएगा। फर्स्ट को डॉग को किससे आप मैच कर देंगे? डॉग को इस वाली पिक्चर से। ठीक है, सेकंड पिक्चर से वो क्या हो जाएगी आपकी मीट, यहाँ पर मिलते हैं डॉग। तो फर्स्ट पिक्चर को आप मीट से मैच कर दीजिएगा, डॉग को इस पिक्चर से। फिर सेकेंड है आपका, सेकेंड पिक्चर क्या है आपकी? हैन की। तो हैन आपका क्या खाता है? हैन आपका इंसेक्ट्स खाता है, और क्या खाता है? इंसेक्ट्स और ग्रेन खाता है। तो आप इसी सेकेंड पिक्चर से इसको मैच कर दीजिएगा। ब्रेड, इसमें बेटा फिर सेकंड पिक्चर है आपके हैन की। तो हैन को आप यहाँ, ये इंसेक्ट्स की पिक्चर लग रही है यहाँ पे, तो आप इसको इससे मैच कर दीजिएगा हैन को इससे। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? हैन का इंसेक्ट्स। देन थर्ड आपका क्रो है, क्रो को ब्रेड से मैच कर दीजिएगा। ओके, देन यह फोर्थ पिक्चर इज दैट ऑफ माउस। माउस को आप, ये शायद चीज की पिक्चर है, चीज, तो इससे आप मैच कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो डॉग को आपने यहाँ पे मैच कर दिया। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मीट। फिर हैन को, ये हैन को आपने इस पिक्चर से मैच किया, ये आपके इंसेक्ट्स हो जाएंगे। क्रो को आपने फिर यहाँ ब्रेड से मैच कर दिया। ओके, देन ये माउस को आपने यहाँ इस फोर्थ
सबसे फर्स्ट पिक्चर से मैच कर दिया, वो आपके क्या हो जाएगा, चीज। तो ये फूड आइटम के नाम भी आप उनके नीचे लिख दीजिएगा, जैसे इसको लिख दीजिएगा चीज, ये लिख दीजिएगा मीट, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंसेक्ट्स, ये लिख दीजिएगा ब्रेड। ओके बेटा, ये एनिमल्स कौन से हैं बेटा, ये ओमनीवोरस एनिमल्स हैं, ये इंसेक्ट्स, ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, ये सब सारे एनिमल्स। ओके, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है एनिमल होम्स। एनिमल्स नीड शेल्टर टू लिव, टेक रेस्ट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जैसे हम लोगों को एक होम चाहिए होता है, वैसे एनिमल्स को भी रहने के लिए होम चाहिए होता है। वी बिल्ड होम्स फॉर अवर पेट लाइक डॉग एंड कैट। अगर हम अपने पालतू कोई जानवर पालते हैं, डॉग या कैट, तो हम उसका घर बना देते हैं। ओके, एनिमल्स दैट डू नॉट स्टे विद अस मेक देयर ओन ओन होम। तमाम एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ जो नहीं रहते हैं, वो खुद से अपना घर बनाते हैं, या फिर कोई नेचुरल होम में, जैसे जो लॉयन हो गया, वो सब डेन में रहते हैं, नेचुरल होम्स में रहते हैं। ओके, सम ऑफ दीज एनिमल्स हैव बीन शोन बिलो। कुछ एनिमल्स की यहाँ पे जिन उनके होम्स के बारे में, घरों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे जो आंट होती है, वो भी अपना रहने के लिए अपना घर बनाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स अपने लिए नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए बर्ड्स क्या बनाती हैं, अपने लिए नेस्ट बनाती हैं। फिर स्पाइडर क्या बनाता है, वो अपने लिए जाला बनाता है, मकड़, वेब, तो उसे क्या कहते हैं, वेब। ठीक है, और फिर ये जो आपकी हनी बी होती है, वो क्या बनाती है, बी हाइव, जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, वो क्या होता है, बी हाइव, वो अपने रहने के लिए वो लोग क्या बनाती हैं, बी हाइव, उसी में शहद इकट्ठा करती हैं वो लोग। फिर ये आपका है रैबिट, रैबिट क्या बनाता है, वो जमीन के नीचे गड्ढा बिल बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोरो। ओके, BURROW, बोरो। ओके, पॉइंट टू ईच होम एंड से इट्स नेम। तो जितने भी होम है, आपको नेस्ट यहाँ पे वेब, ओके, फिर यहाँ पे आपका बी हाइव, और यहाँ पे आपका क्या है, बोरो। तो इनको सबको पॉइंट कीजिए और उनका नाम जोर जोर से पढ़िए, साथ में आपको इनकी स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। ओके, नाउ कलर द रिमेनिंग पिक्चर। और अब आपको इस पूरी पिक्चर को अच्छे से कलर कर देना है, जहाँ पे ट्री लीव्स वगैरह आए उनको ग्रीन कर दीजिए, ट्रंक आ रहा हो तो कैसे कर देंगे आप, ब्राउन कलर में। तो इस तरीके से ये पूरी पिक्चर आप कलर कर दीजिएगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज। अब आपको ये वाले एक्सरसाइज है, इसमें आपको ये ब्लैंक को फिल करना है, कुछ हमको हिंट दी हुई है, एक्सरसाइज ए है आपकी ये। एनिमल्स लिविंग इन अवर होम आर कॉल्ड, जो हमारे घर पे एनिमल्स रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। तो ये फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, पेट, PET, पेट। देन सेकंड क्या है आपका, एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। सम यूजफुल हाँ, सम यूजफुल यहाँ क्या जाएगा, डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउ गोट एंड बफेलोज। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, थर्ड में डोमेस्टिक एनिमल्स, सम यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउ गोट बफेलो। फिर फोर्थ वन क्या है, सम डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक द हैन गिव्स अस, क्या हो जाएगा इसका, एग्स,
जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ना, वो हमको क्या देती है? एग्स। फिफ्थ क्या है आपका? एनिमल्स एनिमल्स डंग इज यूज एज मैन्योर एंड फूड। एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जो डंग होता है उनका, वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? वो खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, और उसे एज ए फ्यूल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गांव वगैरह में अभी भी यूज होता है। फिर कंप्लीट द आंसर्स। वी गेट मिल्क फ्रॉम, इसको आपको कंप्लीट करना है, कुछ लेटर मिसिंग है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? बी का फर्स्ट आपको क्या हो जाएगा? बफेलोज। ओके, तो यहाँ पे कोई ये वर्ड मिसिंग है। फिर एल आपका है, फिर आपका देन, बफेलोज। ठीक है, फर्स्ट का आपका हो जाएगा बफेलो। देन सेकंड क्या है आपका? वी गेट एग्स फ्रॉम, हम लोग एग कहाँ से पाते हैं? हैन से ना। देन थर्ड वन इज वी गेट वूल फ्रॉम, वूल हम कहाँ से पाते हैं? सीप से ना। देन फोर्थ वन इज वी गेट सिल्क फ्रॉम, हम लोग सिल्क कहाँ से पाते हैं? सिल्क के कपड़े, रेशम के जो कपड़े होते हैं वो हम लोग रेशम का एक कीड़ा होता है उससे पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। देन फिफ्थ इज वी गेट वैक्स एंड हनी फ्रॉम हनी बी, हम लोग वैक्स और हनी, जो उसके छत्ते में वैक्स होता है ना, मोम, वो और शहद हम लोग कहाँ से पाते हैं? हनी बी से, हनी बी। फिर आपकी बी है राइट डी फॉर डोमेस्टिक एंड डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल्स। ये कुछ एनिमल्स की आपके पिक्चर बनी हुई है, अगर वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो तो आपको डी लिख देना है, और अगर वो वाइल्ड एनिमल्स हो तो आपको डब्ल्यू लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है? काउ। तो ये क्या, काउ क्या होती है? आपकी डोमेस्टिक एनिमल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? डी। ओके, फिर लॉयन, लॉयन आपका वाइल्ड एनिमल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू लिखना है। फिर क्या है आपका? ये आपका क्या है? गोट। ओके, तो गोट क्या है आपके? डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो यहाँ पे फिर ऐसे आप डी लिख देंगे। देन डॉग, डॉग भी पेट एनिमल है तो डोमेस्टिक एनिमल ही कहलाएगा, तो यहाँ पे आप फिर से डी लिख दीजिएगा। ओके, फिर टाइगर, टाइगर आपका वाइल्ड एनिमल्स है, यहाँ पे आप डब्ल्यू लिखिएगा। फिर सीप क्या है? सीप आपकी डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो यहाँ पे आप डी लिख देंगे। फिर हैन, हैन आपका क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स है, फिर आप डी लिख दीजिएगा। फिर एलिफेंट क्या है? एलिफेंट वाइल्ड एनिमल में आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डब्ल्यू लिख देंगे। ओके, तो बेटा ये दो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद क्या है आपके यहाँ पे? वीकेंड फन है। वीकेंड फन में क्या है? फिल इन द मिसिंग वर्ड्स टू मेक नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम के कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो आपको उनको कंप्लीट करना है।
क्या है वीकेंड फन? वीकेंड फन मतलब वीक के एंड में, जैसे आपका सैटरडे के बाद क्या आता है, वीकेंड होता है ना, तो उस दिन का फन वीकेंड फन। लेकिन इससे मतलब हम लोगों की डेली छुट्टी चल रही है। तो इसमें आपको बेटा फर्स्ट एनिमल कौन सा दिया है? सी और डब्ल्यू दिया है। कुछ हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम दिए हैं, डोमेस्टिक फ्रेंड लिखा है ना, सी डब्ल्यू दिया, तो बीच में क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ओ डब्ल्यू काउ, ठीक है। देन सेकेंड वन क्या है आपका, बी दिया है, फिर डबल एल दिया, तो क्या हो जाएगा, बी यू डबल एल, क्या होता है आपका, बुल बैल, ठीक है। देन थर्ड है आपका पी दिया है, जी दिया है, पिग भी आपकी डोमेस्टिक एनिमल्स होती है, ठीक है, PIG पिग। देन फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है आपका SS दिया है, और फिर दो स्पेस दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, सीप, SSEEP, सीप। सीप से हमको क्या मिलता है, वूल मिलता है, वूल से हम लोग स्वेटर बनाते हैं, फिर उनको हम लोग विंटर में, विंटर सीजन में पहनते हैं। देन फिफ्थ है आपका एच दिया आर एस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हॉर्स, HORSE, हॉर्स को हम लोग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर राइडिंग करने के लिए। देन सिक्स है आपका एच दिया एन दिया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हेन, हेन हमको क्या देता है, एग देता है। देन आपका सेवेंथ क्या है, जी टी दिया है, बीच में क्या हो जाएगा आपका, गोट, गोट भी हमको मिल्क देती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एल दिया है, फिर एक स्पेस है लैम्ब, तो क्या हो जाएगा, LAMB लैम्ब, ओके। देन नाइन्थ क्या है, सी फिर स्पेस LF, तो क्या हो जाएगा, काफ, ठीक है। तो काऊ के या बेफेलो बेबी को हम क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, CALF काफ। अब नेक्स्ट है हमारा फन विद जंक, ठीक है। पुराने जो हमारा जो सामान यूज में नहीं होता है उसका हेल्प लेकर के हमको कोई कुछ आइटम तैयार करने हैं, ठीक है, यूजफुल आइटम। तो मेक योर ओन ग्रीन फैमिली, अपनी ग्रीन फैमिली बनाइए। कैसे बनाना है हमको, मटेरियल रिक्वायर्ड, एम्प्टी कंटेनर्स और कप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, सम वीट सीड्स, सॉयल, वाटर, पेंट एंड ब्रश। हमको क्या क्या लेना है, पहले कंटेनर लेने हैं, जैसे पुराने आपके पास कप पड़े हों या डिब्बे विब्बे जो आते हैं, जो यूज में नहीं हो रहे होते हैं, कबाड़ी को हम देते हैं, वो सब डिब्बे वगैरह वो सब आपको अलग अलग साइज के इकट्ठे करने हैं। फिर और क्या लेना है आपको, पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, थोड़ी मिट्टी चाहिए, सीड चाहिए, वीट गेहूँ चाहिए, ठीक है, सब वीट सीड गेहूँ के कुछ दाने चाहिए, ओके। फर्स्ट फिल अबाउट 3/4 ऑफ ऑल द एम्प्टी कंटेनर्स विद गार्डन सॉयल। पहले हमको क्या करना है, जो भी हमने कंटेनर लिया है, जो भी हमने डिब्बे उब्बे लिए हैं, सबको 3/4 आपको गार्डन सॉयल से फिल कर देना है, ठीक है। इसमें बेटा जो भी आप कंटेनर लें उसमें नीचे में एक होल जरूर मार दें। होल से क्या होगा कि उसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे से निकल जाएगा, तो फिर पौधा जो है वो खराब नहीं होगा फिर, ठीक है। स्प्रेड अ स्पून फुल ऑफ वीट सीड्स ऑन द सॉयल, कवर द सीड्स विद अनदर लेयर ऑफ सॉयल। फिर क्या कीजिए आप, गेहूं के जो आपने दाने लिए थे, गेहूं लिया था उसको आप, गेहूं को आप उन्हें जो कंटेनर है आपने 3/4 उसमें मिट्टी उसमें जब भर ली, तो उसके बाद करीब 1 चम्मच गेहूं को उसमें फैला दीजिए। उसमें फैला करके उसके ऊपर से फिर थोड़ी सी एक लेयर और सॉयल की, मिट्टी की एक लेयर उसके ऊपर से और डाल दीजिए। स्प्रिंकल सम वाटर ओवर द न्यूली सोन सीड्स। अब जो हमने जो ये जो बीज बो दिया है उनमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। फिर प्लेस द पॉट इन सनी प्लेस, उसको आप धूप में फिर रख दीजिए। ट्वाइस अ डे स्प्रे वाटर इन गुड अमाउंट, और हर दिन अगर गर्मी है तो हर दिन दो दो बार उसमें पानी डालिए, सर्दी है तो एक ही बार डाल दीजिए, ठीक है। फिर
You will have to wait for about 10 to 20 days for the young shoots to appear. तो जो नया पौधा जो है वो करीब आपको 10 टू 20 डेज लग जाएगा जब आपका नया पौधा उसमें से मिट्टी में से निकलेगा, ठीक है, बीज में से. वाटर रेगुलरली सो एज टू कीप द ग्रास मॉइस्ट, और उसको आप हमेशा ही पानी डालते रहिए ताकि वो उसमें नमी बनी रहे. फिर आपको क्या करना है, व्हेन द ग्रास बिकम्स थिक एंड डेंस द हेयर ऑफ ईच फैमिली इज रेडी. अब जब उस पॉट में से जो ग्रास जो है जो निकला, जो भी पौधे निकले पूरे उसमें, जो आपका कंटेनर उसके ऊपर में एकदम थिक जब हो जाए वो, ठीक है, काफ़ी अच्छे से फैल जाए उसमें, तो आपका समझिए वो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हेड, उनके हेयर तैयार हो गए, उनके बाल तैयार हो गए हैं, ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू पेंट फेसेस और कार्टून्स ऑन द कंटेनर. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर की आपको फोटो थोड़ी सी बना देनी है उसी कंटेनर पे, ठीक है. तो आप उसमें जितने भी आपके घर में फैमिली मेम्बर, जैसे पापा हुए, मम्मी हुए, ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, या आपके सिस्टर्स ब्रदर जो भी हुए, उतने ही आप कंटेनर लीजिए और सब में इसी तरह से गेहूं फैला करके सब में उगा दीजिए, और फिर उसके बाद उस कंटेनर में उसे खूब अच्छे डेकोरेट करके उसमें फेस बना दीजिए, फिर उसका सबका नाम लिख दीजिए. जैसे तो जो आपने का जो ऊपर में जो प्लांट्स निकला था वो हेयर का काम करेगा, ठीक है, और जो आपका कंटेनर है, जो आपका पॉट है, वो क्या फेस बन जाएगा. तो उसमें सबका नाम, जैसे आप अपना एक में अपना नाम लिख दीजिए मी, एक में डैड, एक में मॉम, आपके ब्रदर सिस्टर हो तो उनके लिए अलग अलग कंटेनर बना के उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है, और सबके फेस बना दीजिए. तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी ग्रीन फैमिली हो गई. तो जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हो उतने कंटेनर आप ऐसे करके तैयारी कर दीजिए. नेमिंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स इज अ ग्रेट फन. सबके जब आप नाम लिख देंगे तो उसमें खूब मजा आएगा. ओके बेटा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऐसे भी कीजिएगा. ओके बेटा, फिर आप इसको, इन दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिएगा एक दो बार, ठीक है, तो सब समझ में आ जाएगा. दोनों ही बहुत ही इजी चैप्टर थे प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर. ओके बेटा, बाय, टेक केयर.